मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर एट चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.7, क्वेश्चन नंबर 1, सी. ओके, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ट्रू और फॉल्स. डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, सो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर? टू लाइन बाइसेक्टिंग, है ना. तो ये 90 डिग्री तो फॉर्म हो ही रहा है. All side of a rhombus are of equal length. True. All side of a parallelogram are equal length. True. No parallelogram two sides are equal. So false. False. The opposite side of a trapezium are parallel. False. False. Give reason for the following question. In this we have to give the reason. So this is a theoretical part. I have sent you in my PDF. So you see from there, okay? A figure is said to be rectangle. This is also theoretical. So see in my PDF. If any confusion, then ask. ठीक है, यही सब properties actually जो मैंने आपको आगे पढ़ाई हैं हमको उस questions में apply कर देनी है. So now polygon 5.9, number of sides, name. ये क्या बोल रहे हैं? So far studied polygon of 3 or 4 side known as triangle or quadrilateral. हमने polygon पढ़ा था जिनको हमने triangle और quadrilateral बोला. So we know, we now try to extend the idea of polygon to figure with more number of sides. Now we will be handling with more number of sides. We may classify polygon according to the number of sides. अब polygon को हम name देंगे उनके number of sides से. जितने number of sides होंगे उसका नाम differently होगा. जैसे 3 sides हैं तो उसको हम कह रहे हैं triangle. 4 side है तो quadrilateral. आपका figure दिया हो, आपका ये table दिया हुआ है 107 page पे. सब लोग open करके वो page देखो. और pentagon means 5 side. देखो 5 side का ऐसा अगर हमने form किया तो ये क्या होगा? पेंटागन. इसको 5 साइड्स हम कैसे भी मैनर में दे सकते हैं, व्हाट एवर डायग्राम यू आर टू प्लॉट, बट साइड्स शुड बी हाउ मच? 5. सी हियर, 1 2 3 4 5. ओके, सो इट इज नेम्ड एज पेंटागन. हेक्सागन मींस 6 साइड, ऑक्टागन मींस 8 साइड. सो रिमेंबर दिस. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 108, एक्सरसाइज 5.8. एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन इफ एनी वन अमोंग देम इज नॉट सेम वाई. अभी आपको बताना है कि कौन सा पॉलीगन है और कौन सा नहीं, तो क्यों. पहला वाला देखो, पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये ओपन कर्व है ना. तो पहला वाला पॉलीगन नहीं है, उसका रीजन हम लिखेंगे, इट इज एन ओपन कर्व, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलीगन. सेकेंड इज, यस इट इज अ पॉलीगन ऑफ 6 साइड. नाउ काउंट द साइड, 6 है. चलो बी वाला हो गया, यस. सी वाला पॉलीगन है, सर्कल को तो हमने पहले ही बता दिया था पॉलीगन नहीं है. और डी वाला भी नहीं है क्योंकि उसमें नीचे कर्व है, वो कर्व भी नहीं होता है पॉलीगन. सो सेकेंड, नेम ईच पॉलीगन. अभी इसको नेमिंग करना है. फर्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है फर्स्ट में दिख रहे हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल है. बी वाला ट्रायंगल है, सी वाला पेंटागन है, डी वाला ऑक्टागन. 8 साइड, हेक्सागन नॉट ऑक्टागन. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस. ड्रॉ अ ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन. ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, हेक्सागन. सबसे पहले तो हम हेक्सागन बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है ना. यस मैम. हेक्सागन मतलब 6 साइड. We have to draw, excuse me, a triangle. Yes,
can draw a triangle inside it. Connecting, because it has written connecting any three sides of it vertices. Draw a triangle. Identify the type of triangle you have drawn. So, joining its alternate vertices. First, I will be giving the name A, B, C, D, E, F. So, join its alternate vertices A, C, E. We get a triangle A, C, E. Okay? These are the alternate vertices. मतलब इसके opposite side में है तो alternate vertices हुए. So, एक triangle बना which is a regular triangle. Thus, the triangle so formed is a equilateral triangle. इसलिए ये equilateral triangle है. हाँ? Equilateral triangle की property क्या थी? तीनों साइड इक्वल होते हैं, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन यूजिंग अ स्क्वायर पेपर. इफ यू विश, ड्रॉ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली फोर साइड ऑफ द वर्टेसेस. सेम वेज हमें अभी ऑक्टागन प्लॉट करना है और उसके अंदर एक रेक्टेंगल प्लॉट करना है. तो पहले मैं ऑक्टागन प्लॉट करूँगी. क्वेश्चन नंबर फोर. नहीं, कुछ इसी टाइप का है. यस मैम. गजेंद्र. यस मैम. अब इसके अंदर मैं रेक्टेंगल ऐसे फॉर्म करूँ, ये दो साइड और ये दो. हाँ यस मैम. मैं नेमिंग करती हूँ यहाँ से ए डी सी octagon A B C D E F G H is regular octagon here. Joining vertices G D G D and H C we get line segment H C. Thus we get a rectangle C D G H. Okay, again by joining A F B E we can get another rectangle. अगर मैं वापस से इसको ऐसे join करूँ तो एक और rectangle बन जाएगा. Yes ma'am. Yes. Who said no? Wait wait wait. अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता देती हूँ कि ये देखो ये भी rectangle है. ये दो side equal है और ये दो side equal है. ठीक है. Yes ma'am. Now fifth question. इसमें pentagon है. ये वाला question आप अपने आप देख लीजिएगा क्योंकि दो मैंने आपको explain कर दिए हैं. ठीक है. 5.10 थ्री डायमेंशनल शेप्स. ठीक है. थ्री डायमेंशनल शेप्स आपने सुने होंगे. yes, जैसे जो स्फेयर होते हैं वो थ्री डायमेंशनल शेप होते हैं. बॉल का शेप होता है. सो द बॉल इज अ स्फेयर. आइसक्रीम इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कोन. दिस कैन इज अ सिलेंडर. ई शेप इज अ सॉलिड. नाउ क्लियर है आप स्फीयर क्या है. थ्री डायमेंशन शेप्स. जैसे देखो टू डायमेंशन हमको दिखाई देते हैं. थ्री डायमेंशन में क्या होता है उसका जो थर्ड पार्ट होता है हमको नहीं दिखता है. yes, है ना. yes. हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते. हमें दिखता तो है बट yes. हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते. सो फेस एज एंड वर्टाइसिस इन इन केस ऑफ मैनी थ्री डायमेंशन शेप वी कैन डिस्टिंग्विश आइडेंटिफाई देयर फेसिस एजेस एंड वर्टाइसिस. So, what do we mean by this term face, edge and vertices? Note, vertices is the plural form of vertex. Consider a cube. Now, we will consider a cube. For example, each side of cube is a flat surface called a flat face or simply a face. ठीक है? ये cube है हमारा. This is a cube. Yes, ma'am. So, इसका जो एक फेस है, इसे हम फेस कहेंगे, ठीक है? Yes, ma'am.
और फ्लैट फेस. हाँ, टू फेसेस मीट एट अ लाइन सेगमेंट कॉल अ एज. टू फेसेस मीट एट अ लाइन सेगमेंट कॉल एज, इसे हम एज कहेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फेस मिल रहे हैं, ये फ्रंट वाला एक ये साइड वाला, तो ये मेरा क्या हुआ एज. ओके, ये मेरा क्या हुआ एज. नाउ थ्री एजेस मीट एट अ पॉइंट कॉल वर्टेक्स. थ्री एजेस मीट एट अ पॉइंट, थ्री एजेस देखो, एक दो और ये तीन, मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स. वर्टेक्स ओके. हेयर इज अ डायग्राम ऑफ प्रिज्म. ये जो डायग्राम बनाया गया है ये प्रिज्म का डायग्राम है. ओके, प्रिज्म मतलब जो सेवन कलर उसमें से रिफ्लेक्ट करता है जब हम उस पर लाइट डालते हैं. ठीक है, प्रिज्म में आप कभी भी लाइट डालोगे, वो ग्लास का होता है, तो उसमें से सेवन कलर रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे डायमंड में होते हैं. पिरामिड इज अ शेप विथ अ सिंगल बेस, द अदर फेसेस आर ट्रायंगल. नाउ 5.9 मैच द फॉलोइंग कोन. कोन बताओ कौन सा है. और स्पेयर कौन सा है. स्पेयर 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 ये बॉल जैसा जो है वो स्पेयर है. एंड सिलेंडर फिफ्थ वन. एंड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज थर्ड. एंड यस, एंड पिरामिड इज फर्स्ट वन. ओके, मतलब आपको क्लियर है कि क्या क्या है. व्हाट इज द शेप सेकंड वन, व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स. इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्यूबॉइड. मैंने आपको क्यूब दिखाया, तो क्यूबॉइड भी ऐसा ही होता है, वो लंबा होता है. तो आपका जो कंपास बॉक्स है वो क्यूबॉइड हुआ. एंड अ ब्रिक और अ मैच बॉक्स, अगेन अ क्यूबॉइड. अ रोड रोलर, अ स्वीट लड्डू, स्फीयर. ये तो सबको पता है स्फीयर. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर फिफ्थ चैप्टर. टुडे आई विल बी स्टार्टिंग माई सिक्स्थ चैप्टर, इंटीजर्स. इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस, इंटीजर्स. Now chapter number 6. Okay children, before starting this topic I will recall you what are natural numbers. So what are natural numbers? Starting and counting from 1. They are natural numbers. And whole numbers starting from 0. Okay. And in integers, there will be coming negative integers and positive integers. So negative integers कैसे होता है? देखो एक ही number लाइन है अपना. In right hand side positive integers we are writing. And left hand side we are writing negative integers. -1, -2, -3. Okay. Value
कम टू पेज नंबर 119. लेट अस वंस अगेन ऑब्जर्व द इंटीजर विच आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन लाइक दिस एंड वी नो दैट 7 ग्रेटर देन 4. ओके, हमें पता है कि 7 जो है ग्रेटर देन 4 है. ओके, एंड फ्रॉम द नंबर लाइन शो अबाउट वी ऑब्जर्व दैट 4 इज टू द राइट ऑफ 7 इज टू द राइट ऑफ 4. ओके, 7 जो है राइट ऑफ 4 है. यहाँ से नंबर लाइन मेरा और बढ़ेगा 7 पे जैसे मुझे जाना है. तो 5, 3, 7. Similarly, 4 is greater than 0 and 4 is to the right of 0. 4 0 से बड़ा है और 4 कौन से तरफ है? राइट हैंड तरफ है. तो मैं बोलूँगी 4 जो है राइट हैंड तरफ है 0 के. Now 0 is to the right of -3. So 0 अभी -3 से ये पॉजिटिव इंटीजर्स का मैंने आपको एक्सप्लेन किया. सेम वे नेगेटिव इंटीजर्स का कि 0 जो है राइट है -3 के. तो कौन बड़ा हुआ -3 की 0? 0. क्योंकि अभी हमने देखा जो राइट हैंड साइड आ रहे हैं वो ग्रेटर नंबर है लेफ्ट हैंड साइड से. सो दैट्स व्हाई -3 इज स्मॉलर देन 0. सेम वे -3 इज टू द राइट ऑफ 8. व्हेन आई विल से -3 इज टू द राइट ऑफ -8. -4, -5, -6, -7, -3 is to the right of -8. I am right. Yes, कि -3 जो है right है, right hand side है -8 के. तो मैं क्या बोलूँगी, कौन सा greater है? जो right hand side greater होता है. तो -3 is greater than पॉजिटिव इंटीजर थे. उसमें जो बड़ा नंबर होता था वो ग्रेटर होता था स्मॉलर नंबर से. जैसे 8 हमारा बड़ा है 3 से. और नेगेटिव में देखो उल्टा हो रहा है कि जो -3 है जो छोटा नंबर है वो 8 से बड़ा हो रहा है. माइनस साइन लग जाता है तो मतलब ये नंबर्स चेंज हो जाते हैं. जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है. समझ में आ गया? Thus we see that on number line the number increases as we move the right and decrease as we move to the left. या तो हम छोटे बड़े के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं या तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम राइट में जाएंगे तो वो नंबर बड़ा होगा, लेफ्ट में जाएंगे तो वो छोटा होगा. So come to example number 1 by looking at the number line, answer the following question: which integer lies between -8 and -2? नंबर लाइन को देखो, -8 और -2 के बीच में कौन से इंटीजर्स हैं बोलो तो? 7. तभी मैंने बोला बोलो 7. अब हम इसे नहीं बोलेंगे -7, -8, -8 और -2 के बीच के इंटीजर्स बोलो. Largest and -7 is the smallest. Yes, ma'am. Okay. If I am not at 0, what happened when I move? Let us consider early game played by Salim and Rushika. Suppose Rushika token is at 2. Okay. At the next turn, she get a red die, which after thrown gives a number 3. It means she will move 3 place to the right of 2. Thus she came to 5. देखो रुशिका के पास एक डाइस वाला गेम है. उसने डाई को फेंका तो कितना आया? 3. तो वो 2 पे है तो 3 कदम आगे बढ़ेगी. तो 3 कदम आगे बढ़ेगी, 1, 2, 3 किस पे आई? 5 पे आई. ओके, सो आंसर हम कहेंगे शी केम टू 5. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यहाँ से ये बोलेंगे 3 प्लेस क्या?
If on the other hand Salma was at one. Okay, now Salma is at one and drawn a blue die which gave her number 3. अभी वो वन पे थ्री और उसको नंबर दिया 3. Then it means she will move to the left by 3 places and stand at minus 2. By looking the number line, answer the following questions. 1 पे 3 है ना, उसके बाद कितना आया 3, तो कितने पे गई? माइनस टू पे आ गई. कैसे? 1 2 3 तो ये माइनस टू पे आ गई ना. 1 पे 3 3 पे आया, माइनस टू पे. हाँ, कहीं से भी करो. Now exercise, come to exercise 6.1. Write opposite of the following. Now question number 1. Exercise 6.1. Write opposite of the following. Increase in weight. Decrease in weight. So decrease in weight. Opposite मतलब उसका उल्टा. And question 1B. 30 किलोमीटर north. Opposite direction of north is south. So 30 kilometers south. So C, D and E, do it by yourself. Yeah. Represent the following number. Question number 2. Represent the following number as integers with appropriate sign. An aeroplane is flying at a height 2000 meter above the ground. So we have to represent the following number as integers. In form of integers we have to write with appropriate sign. So हमको integer मतलब क्या होते हैं? Numbers हैं. और उसको sign, sign मतलब negative और positive sign देना है. तो पहला question है, an aeroplane is flying at a height, मतलब एक height पे उड़ रहा है 2000 meter above the ground. So how we will write 2000? ये हो गया integer. Yes. अब बताना है sign. तो ऊपर yes, की तरफ उड़ रहा है तो ये प्लस आया. क्यों? क्योंकि मैं आपको नंबर लाइन बताती हूँ. नंबर लाइन इज रिप्रेजेंट लाइक दिस. एक्स एक्सिस ये होता है नंबर लाइन पे और वाई एक्सिस दिस वन. ये आपको मालूम है? यस मैम. एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. ओके, बीच में जीरो होता है. एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर आते हैं. माइनस वन, माइनस टू, माइनस टू एंड सो ऑन. एंड दिस इज वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में जो अपवर्ड्स है वो पॉजिटिव जाएंगे 1 2 एंड एंड डाउनवर्ड्स जो होगा माइनस वन माइनस टू. तो अब समझ में आ गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव. अपवर्ड्स में पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स में नेगेटिव. सो माय क्वेश्चन वाज फ्लाइंग अप, तो ऊपर जा रहा है तभी मैंने प्लस लिखा. अगर कुछ डाउन होता, सीवी की बात हो रही होती बोट वोट की, सबमरीन की, तो मैं माइनस में लिखती है ना, क्योंकि वो नीचे ये जा रहा होता. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज अ सबमरीन, लो आ गया, इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल. ओके, माइनस 800. वेरी गुड भाई. जो यूनिट्स दिए रहते हैं हमें वो भी लिखना है. जैसे यहाँ पे एरोप्लेन का दिया हुआ था 2000 मीटर, सो यू विल राइट प्लस 2000 मीटर. इन द सेम वे सबमरीन ऑल्सो इन मीटर, सो दैट्स वाई माइनस 800 मीटर. रेस्ट ऑफ द टू क्वेश्चन डू इट बाय योरसेल्फ. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन अ नंबर लाइन. हाउ वी विल रिप्रेजेंट? वन आई विल शो यू टू यू. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू टाइप बाय योरसेल्फ. सो सिंपल, प्लस 5. सो वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन इन ईच क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें नंबर लाइन पहले बनानी है, क्योंकि उसमें बोला ये नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है. बोला है 5, तो 5 ये रहा, इसको क्रॉस करोगे, सर्कल करोगे, बस यही बताना है. जो भी नंबर दिए हैं सीधे नंबर को क्रॉस करोगे और सर्कल कर दोगे.
एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए करना चाहूंगी माइनस वाला, तो माइनस 10। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ, अभी मैं सेकंड क्वेश्चन भी इसी नंबर लाइन में प्लॉट करूंगी। माइनस 10 माय क्वेश्चन इज, तो फर्स्ट आई विल एक्सटेंड माय लाइन, माइनस 9 माइनस 10 एंड हियर ये मैंने रफ कर दिया क्योंकि पहले क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन, रिप्रेजेंट इंटीजर्स अबाउ इट एंड लोकेटेड द फॉलोइंग पॉइंट। एडजेसेंट फिगर मीन्स इधर आपकी टेक्स्ट बुक में फिगर दिया हुआ है उसमें बोल रहे हैं इज अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मीन्स दिस स्टैंडिंग पोजिशन को वर्टिकल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मीन्स जो स्लीपिंग पोजीशन में होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल। तो दिस इज अ वर्टिकल पोजीशन इन योर टेक्स्ट बुक, दिस टाइप ऑफ नंबर लाइन इज ड्रॉन। व्हाट वी हैव टू रिप्रेजेंट, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। व्हाट पॉइंट्स वी विल लोकेट, इफ पॉइंट डी इज प्लस 8 देन विच पॉइंट इज माइनस 8। देखो ये पहले मुझे ये आप लोग यहाँ पे डिक्टेट करवाओ ये नंबर लाइन को, उसके बाद मैं आपको बताऊँ। माइनस 8 उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है ना। नहीं। कितने तक कुछ नहीं है, 1 2 पॉइंट तक कुछ नहीं है, फिर सी हाँ फिर वहीं से बताओ ना, 1 2 3 ओके 1 2 3 छोड़ के जी नंबर लाइन स्टॉप है। ठीक है, अभी क्वेश्चन है प्लस अ पॉइंट डी इज प्लस 8 ओके दिस इज प्लस 8 हाँ इन्हें प्लस साइन भी बताया हुआ है। देन विच पॉइंट इज माइनस 8, माइनस 8 कौन सा पॉइंट होगा। देखो ये तो मतलब हमारा पॉजिटिव लाइन हुआ, नीचे वाला नेगेटिव हुआ, तो 8 गिन लो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 8 तो मिसिंग हो गया मेरा कहीं, 8 यस यहाँ पे ना 8 में F आ रहा है लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। अच्छा एक और है, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 यस नाउ इट इज कमिंग एट F, सो माय आंसर विल बी द पॉइंट F रिप्रेजेंट माइनस 8 इन द सेम वे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। सो इन नंबर लाइन वेयर इज G, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव बिकॉज इट इज डाउन, सो वी विल राइट द पॉइंट G इज अ नेगेटिव इंटीजर। रेस्ट C D E यू डू इट बाय योरसेल्फ क्योंकि हमको खाली पॉइंट देख के बताने। फॉलोइंग इज द फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। सो इसको रिलेटेड ये क्वेश्चंस के आंसर हमको देने हैं। सचिन का है जैसे 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, सो राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। इंटीजर के इसमें लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये
बिलो मतलब नंबर नाइन के नीचे वाला आएगा, तो वो जहाँ पे बिलो होगा उधर माइनस बोलना और जहाँ पे अबाउ होगा वहाँ प्लस बोलना। यस मैम। एक मिनट, अभी क्वेश्चन पहला वाला है, अभी समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक। ये आपको टेबल दिख रहा है, प्लेस टेम्परेचर। यस मैम। उसके साइड में जो ऐसा डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, आपको वो फिल करना है। तो पहला है सचिन के लिए 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस टेन डिग्री सेल्सियस। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी इसके बाद वाला है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, इट इज बिलो सो -2, एंड अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबाउ, प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, और दिल्ली का भी अबाउ है तो प्लस डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर सेल्सियस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन मीन्स बी, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट टेम्परेचर। ठीक है, अभी हमको सिटी के नाम प्लॉट करने हैं। सो जैसे सचिन का अभी हमने आंसर निकाला क्या, -10 डिग्री सेल्सियस। चलो इस क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ के बी में जो नंबर लाइन प्लॉटेड है ना आपके टेक्स्ट बुक में, उसमें 0, 1, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मेरा। इसमें बोला है कि जो सिटीज़ है इसका टेम्परेचर वाइज हमको इसमें प्लॉट करना है, तो सचिन का कितना है, -10, तो मैं -10 पे आके क्या लिखूँगी, सचिन। ठीक है, इसमें मेरे को प्लॉट करना है वो प्लेस का नाम। इसी तरह जो हमने सेकंड फाइंड किया था -2 शिमला है ना, तो -2 पे आएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे और ऐसे दिए हुए हैं, साइड के इधर आप आएंगे, -2 को प्लॉट करेंगे और लिखेंगे शिमला। इन दिस वे आप पूरा टेबल फिल कर देना। ठीक है, -5 श्रीनगर था, हाँ तो ये तो मैंने -2 किसका पुट किया है, शिमला का पुट किया है। आप 5 जो है श्रीनगर का पुट कर देना। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है, शिमला, क्योंकि -2 है उसका, है ना, हाँ। और राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउ 10। देखो इधर एक प्लेस नहीं बोला है, क्वेश्चन को ढंग से सुनो, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस, मतलब +10 से जो भी ऊपर है उनमें कौन कौन आता है। राजेंद्र बोलो, हाँ बस, अहमदाबाद एंड दिल्ली आर द 2 प्लेसेस विच आर हैविंग टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। नाउ सिक्स क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, कौन सा नंबर किसके राइट में है वो बताना है, नंबर लाइन से बताएंगे, ये एक एक प्लॉट करके हमको बताना है, या आप ऐसे ओरली भी बता सकते हैं। सो द इंटीजर 9 इज टू द राइट ऑफ 2, अगर इसको आपको ओरली नहीं आता है तो नंबर लाइन से भी बता सकते हो, ओरली आता है तो बहुत अच्छी बात है। 1 इज 0, 1
टू द राइट इंटीजर टू. ओके नाउ माइनस थ्री एंड माइनस एट. हेयर माइनस थ्री और माइनस एट में से कौन सा राइट में होगा? क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर. अभी ये जो गिवन पेयर दिया है इसके बीच के सारे इंटीजर्स हमको बताने हैं. सो जीरो से माइनस सेवन के बीच के इंटीजर बताओ. जीरो से वेट वेट बेटा जीरो एंड माइनस सेवन इन बिटवीन द इंटीजर्स आर फ्रॉम जीरो टिल माइनस सेवन. सो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स. सेम वे बिटवीन माइनस फोर एंड फोर. सो माइनस फोर एंड फोर द इंटीजर्स आर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू एंड थ्री. वी हैव टू राइट जीरो ऑल्सो. सी एंड डी ट्राइड बाय योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर एट. राइट फोर नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी. सो माइनस माइनस ट्वेंटी से कुछ भी फोर इंटीजर्स हमको बताने हैं जो बड़े हैं तो क्या होगा? हाँ या तो फिर आप माइनस नाइनटीन माइनस एटीन माइनस सेवनटीन अगर उसी सीक्वेंस में हम जाएं तो वो बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ फोर इंटीजर्स लेस देन माइनस टेन. लेस देन माइनस टेन यस ये इससे छोटे ही हुए ना. माइनस वाले तो जैसे मतलब नंबर बढ़ता जाएगा तो वो मतलब उससे स्मॉलर हुआ. तो माइनस टेन से छोटे नंबर कौन से हुए? माइनस इलेवन माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन. फोर नंबर्स हमको बताने हैं इंटीजर्स. सो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स. सो ट्रू और फॉल्स डू इट बाय योरसेल्फ. ये बहुत अच्छे से आपको आ गया है. क्वेश्चन नंबर टेन. ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग. नाउ इन टेन क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव फोर नंबर टू द राइट ऑफ माइनस टू. सो नंबर लाइन इज ड्रॉन और माइनस टू से राइट हम जाएंगे चार नंबर. कौन से नंबर में पहुंचेंगे? So my answer will be 2. So we will draw it like this. सेकेंड इज सिमिलर. थर्ड क्वेश्चन इफ वी आर एट माइनस एट ऑन द नंबर लाइन. ठीक है हम माइनस एट पे हैं नंबर लाइन की. इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस थर्टीन. कौन से डायरेक्शन में? माइनस थर्टीन पे बेटा. व्हाट फोर इन विच डायरेक्शन दे आर आस्किंग. डायरेक्शन शुड बी लेफ्ट और राइट. हाँ सो लेफ्ट. So children, I am stopping my topic here. We have completed exercise 6.1. In next class, I will be learning you, teaching you exercise 6.2.